तो असाइनमेंट नंबर 10 के अंदर जो मैंने दी थी, पहला क्वेश्चन हमने किया हुआ है, एक साइकिलिस्ट है, फर्स्ट हाफ टाइम, अब फिर देखो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस नहीं है, फर्स्ट हाफ टाइम t/2 वेलोसिटी v1 एंड v2, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस गिवन ही नहीं है पर टाइम गिवन है, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो यहां से t/2 कॉमन निकाल के कट जाएगा, तो क्या बचेगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया सबसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, तो बॉडी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का मतलब x/2 एंड x/2 विद वेलोसिटी v1 एंड v2, तो टोटल डिस्टेंस क्या, x/2 प्लस x/2, और टोटल टाइम मिसिंग है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया, तो यहां से x/2 कॉमन आ गया, ये ऐड होके x, x x कैंसिल, आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था, जब मैंने अभी मेंशन किया था कि फॉर्मूला याद कर लें, पर मैंने मना किया फॉर्मूला याद नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, अभी वो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि बॉडी कवर्स 40 किलोमीटर पर आर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो x/2 x/2 सेम क्वेश्चन है रिपीट जो अभी पिछले असाइनमेंट में किया था। ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन को एक बार समझते हैं और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे देना, ठीक? देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन, पतली गली में एक बंदा चल पड़ा, टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, तो क्या कर रहा है, पी के 5 स्टेप आगे चलता है और 3 स्टेप पीछे हो जाता है, फिर 5 स्टेप आगे चलता है, 3 स्टेप पीछे हो जाता है। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में एक्स स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसका, कौन सा, एक्स और टी ग्राफ, ये टी होगा और ये एक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्लियर है, ये प्लॉट करना है, तो मुझे एक्स और टी के क्या निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, आप अपने हाथ में स्टॉपवॉच रखें और देखें कि टाइम कितना और एक्स की वैल्यू कितनी, तो सबसे पहले वो 5 मीटर आगे जाता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी, 5, रादर मुझे ये करना चाहिए, सबसे पहले मुझे कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए 0 और 0, स्टॉपवॉच में टाइम 0 है और वो चला ही नहीं अभी तक, तो 0, 0, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, राइट, फिर 5 मीटर वो आगे चलता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5, घड़ी में टाइम, स्टॉपवॉच, 1 मीटर का 1 स्टेप है और 1 स्टेप 1 सेकेंड का है, तो टोटल टाइम कितना हुआ स्टॉपवॉच में, 5 सेकेंड, तो ये क्लियर है यहां तक। फिर वो 3 मीटर पीछे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट नेट कितनी हो जाती है उसकी, सिर्फ 2, 5 आगे गया 3 पीछे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2, पर घड़ी में टाइम कभी पीछे नहीं होता, टाइम तो बढ़ेगा, तो आपकी घड़ी में अब 3 3 सेकेंड और बढ़ाओ, तो घड़ी में टाइम क्या हो गया, 8 सेकेंड, क्लियर है यहां तक। फिर 5 सेकेंड आगे चलता है, तो 2 + 5 7 7 मीटर हो गया, घड़ी में टाइम ऐड होगा, तो +5 कितना, 13, ठीक है यहां तक। फिर 3 मीटर पीछे तो कितना हो गया, 4, घड़ी में टाइम 3 ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, तो इसमें 3 ऐड करो 16, फिर 5 मीटर आगे चलता है 9, 5 ऐड करो 21, फिर 3 पीछे होता है तो 6, और 5 इसमें 3 ऐड करोगे 24। कोऑर्डिनेट्स कैसे बन रहे हैं समझ में आ रहा है, पहले तो कोई डाउट इसमें, ठीक, ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, हर स्टेप पे बनाना पड़ेगा, 5 3 5 3, थोड़ा अगर आप इनिशियल फाइनल करोगे तो ग्राफ कैसे बनाओगे, सीधे ज्वाइन कर दोगे, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो अब एक काम करते हैं, इसको अगर प्लॉट करें तो ये सपोज ये रहा टाइम और ये रहा एक्स, पहला कोऑर्डिनेट 0, 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
5 मीटर, और टाइम कितना?
5 सेकेंड। क्लियर है यहां तक? तो कोऑर्डिनेट ये आ गया 5.5, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये रहा 5.5। अब नेक्स्ट क्या है? 2.8। अब 2.8 में 2 मीटर होगा कहीं नीचे, 8 सेकेंड होगा यहां पे, तो इसका ग्राफ कहीं ये पॉइंट आएगा, तो ग्राफ अब नीचे बेंड होगा, पहले ऊपर गया अब नीचे होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पहले बड़ी थी अब कम हो गई, पर ग्राफ आगे बढ़ेगा क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 7 मीटर और 13। तो लेट अस सपोज ये 7 मीटर है और सपोज ये 13 सेकेंड है, तो 7 और 13 का कॉम्बिनेशन कहीं यहां पर, तो ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ गई, फिर ग्राफ नीचे आएगा, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर ग्राफ नीचे, ऐसे चलता जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वेरिएशन है। तो जैसे ये मैंने 7 और 13 प्लॉट किया, आप 4 और 16 प्लॉट कर लो, तो 4 मीटर नीचे होगा, 16 यहां पर होगा, 16 सेकेंड यहां पर होगा, तो ग्राफ कहीं यहां कहीं बनेगा, तो ग्राफ नीचे गिर गया। तो इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसकी ग्राफ की वेरिएशन ऐसी कुछ बनेगी, ठीक। तो क्वेश्चन है, अगर ये बंदा ऐसे ही बस आगे पीछे चलता जाए, 16 मीटर दूर एक खड्डा है, उसमें गिरेगा ये, तो बताओ कितने समय पे वो गिरेगा, टाइम बताओ। 16 मीटर दूर खड्डे में गिरेगा, तो बताओ कितने समय में गिरेगा, टाइम बताओ, आपकी घड़ी में टाइम क्या होगा उस टाइम। चलो फिर से इसको पी के चलाने दो, चलो गिरने दो इसे, 16 मीटर 16 मीटर पे कितने समय में ये नीचे गिर जाएगा बताओ। देखो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी वो 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, एक मिनट, ओके वेट, मेरे को करने दो सॉल्व। तो 6 मीटर डिस्टेंस वो कर चुका है और टाइम कितना है 24। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब फिर चलाते हैं उसे, अब 5 मीटर वो आगे जाएगा तो कितना होगा, 11 मीटर, 5 इसमें ऐड करेंगे 29 सेकेंड, 3 पीछे आएगा तो 8 मीटर होगा, और 3 ऐड करेंगे 30
टू सेकेंड हो गया, ठीक हो गया। फिर पांच ऐड करेंगे तो 13 मीटर हो गया, और टाइम पांच ऐड करेंगे 37 सेकेंड हो गया। तीन माइनस करेंगे तो 10 मीटर हो गया, तीन इसमें ऐड करेंगे तो 40 सेकेंड हो गया। पांच आगे बढ़ेगा तो 15 मीटर हो गया, और ये कितना हो गया 45 सेकेंड हो गया। ऐसे ही है, तो एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लो। ये चार से पांच बढ़ा, तीन कम हुआ, फिर छः में पांच ऐड किया, और पांच ऐड किया तो ये 29 हुआ। यहाँ से तीन कम हुआ तो 8 हुआ, तीन ऐड किया 32, पांच ऐड किया 13, और इसमें पांच ऐड किया 37, तीन कम किया 10, तीन ऐड किया 40, पांच ऐड किया 15, पांच ऐड किया 45, ठीक हो गया। अब तीन, अब 16 मीटर है नहीं ना, अभी वो वापस चला जाएगा गिरने से पहले। 15 मीटर, अभी एक मीटर दूर है खड्डा, अब वो तीन मीटर पीछे चला जाएगा, तो तीन मीटर पीछे जाने का मतलब 12 मीटर हो गया। तो अगर तीन इसमें ऐड करेंगे 48 सेकेंड, अब वो पांच मीटर आगे जाएगा। अब जैसे ही आगे जाएगा 16 मीटर तक लेके जाना है उसे। अब 16 मीटर का मतलब कि यहां पर 13 मीटर, फिर 14 मीटर, 15 मीटर और 16 मीटर, ठीक है। तो इसमें कितना ऐड हो गया, 49, 50, 51 और 52, तो 52 सेकेंड पे एग्जैक्टली 16 मीटर पे होगा। तो जैसे ही एक पैर आगे रखेगा, यानी कि एट 53rd सेकेंड, मतलब 52 सेकेंड भी लिख सकते हैं, 52 सेकेंड पे 16 मीटर कवर हो जाते हैं उसके, और खड्डा स्टार्ट हो जाता है और वो गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा उसके बाद, तो राइट, तो 52 आंसर है। पर 53rd सेकेंड में तो वो हवा में कहीं नीचे गिर रहा होगा, और नीचे गिर चुका होगा एक सेकेंड में, तो आंसर 52 इज सफिशियंट। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें आपने करना है, ठीक है यहां तक। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव शीट दी आपको, ऑब्जेक्टिव शीट में ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4। अभी आपने मुझे इस शीट के कुछ क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। मार्क करो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और क्वेश्चन नंबर 10 बस।